आज का यह वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 2 यानी सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। सही शब्द आएगा नाइट्रोजन। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। हैजा डैश के द्वारा होता है, अर्थात हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ऑप्शन दिया गया है चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। इष्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या ईस्ट। इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। ऑप्शन दिया गया है मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। दिया गया है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन है उष्णता, पिसना, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि या मारने के कारण। ब्रेड अथवा इडली का फूलने का कारण है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी किण्वन। चीनी यानी प्राकृतिक शर्करा को जब अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रम को किण्वन कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 3, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। कॉलम 1 में दिया गया है जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु। जबकि कॉलम 2 में दिया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक और प्रतिजैविक उत्पादित करना। हमें कॉलम 1 में दिए गए जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से करना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। जीवाणु के लिए होगा हैजा का कारक, राइजोबियम के लिए होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस के लिए दही का जमना, ईस्ट के लिए ब्रेड की बेकिंग, प्रोटोजोआ के लिए मलेरिया का कारक और विषाणु क्या है एड्स का कारक। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। प्रश्न संख्या 4, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र के सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, नहीं, सूक्ष्मजीवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वे अत्यंत छोटे होते हैं। सूक्ष्मजीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5, सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर लिखेंगे, सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है,
जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब प्रश्न संख्या 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर होगा राइजोबियम एवं कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं। अब प्रश्न संख्या 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर लिखेंगे औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। दही, ब्रेड, केक, इडली, शराब आदि बनाने में ये सहायक होते हैं। टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल आदि के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में ये उपयोगी है। किण्वन की क्रिया सूक्ष्म जीवों के कारण ही संपन्न होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव ही भाग लेते हैं और विषैले पदार्थों के निपटान में सूक्ष्म जीव उपयोगी है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर लिखेंगे कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ये खाद्य पदार्थों को संदूषित करके नष्ट कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उर्वरता को कम कर देते हैं। दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग कवक के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रतिजैविक क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर लिखेंगे प्रतिजैविक वह औषधियां हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। उस तरह की दवाइयों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो मार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। डॉक्टर की सलाह पर ही हमें प्रतिजैविक लेनी चाहिए। उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, नहीं तो अगली बार आवश्यकता पड़ने पर ये दवाइयां असरदार नहीं होंगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद भी होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल और साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।